बदलिक बा अपन जिंदगी ते सबसे पहले खुद के बदल जा न कि दूसरे के लोभ लालच में फंस के अपन जिंदगी बर्बाद कर जा। नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में स्वागत बा। हम संचालक राज कैमरा पर्सन शंकर के साथ में ये कार्यक्रम आप हरेक अतवार के और हरेक सोम के इतने समय से देखल जला जिसमें हमारे अमन के समाज में कौन भी कुप्रथा बा और हमन के विकृति विसंगति बा ओके हमारे चिरफाड़ करके लिए ये कार्यक्रम में संवेश कल जत और हमारे कौन भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे के लिए हमारे का करी और तमाने साधन और सूत्र के बारे में जानकारी देख साथ में कौन भी क्षेत्र में कौन भी व्यक्ति बाटी सफल व्यक्ति या कौन भी हिसाब से आगे बाटी कौन पेशा कर्मी बाटी वहाँ से भी हमारे प्रत्यक्ष स्टूडियो में सहभागी करा के बातचीत कर जाए ताकि हमारे भी वहाँ के जो साधन सूत्र बा पता लगा के आगे बढ़ सकल जा। ते आज हमारे विशेष कह के आज हमारे चर्चा कर लिए जौन कि प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन सम्पन्न हो चुकल बा और हमारे कितना जन के सफल हल देखल गए कितना जन के असफल अब कितना जने जो चुनावी मैदान में अपन संघर्ष कैने और संघर्ष के बावजूद भी सफल हो नहीं सकने और जौन व्यक्ति सफल बाटे वहाँ भी अब कितना जन के मन बा कि हम सफल भैल बाटी ते अपन जौन एठो क्वालिटी यानी कि क्वालिफाइड के हिसाब से सफल भैल बाटी वहाँ भी सोचे नहीं बा और कितना जो नेता बाटी यानी कि अब हरेक जो दल के यानी कि पार्टी के नेता लोगन बाटी कितना असफल बाटी वहाँ भी संघर्ष करती हुए भी सफल हो नहीं सकने वहाँ भी अब हमन के जो व्यक्ति बाटी हमन के नहीं चिन्हल हिसाब से भी असफल होने के सोचे नहीं बा कहे से ये चुनाव एक हमन के जो चुनावी मैदान रहे ये अखाड़ा में एक जन के हार और दूसरा जन के जीतते हो भी करी और दूसरा सवाल यहाँ का बाकी अब निर्वाचन के समय में अब हमारे पहले भी देख चुकल बाटी अभी भी हमारे देखल गेल अब कितना जने जौन सफल बाटी वहाँ भी अब जनता विश्वास ही कहीं के सफल भैल बाटी कहीं के भी हमन के सोचे गलत हो सकी हमन के सोचा गलत हो सकी अब जनते ही विश्वास कहीं के उस सब जीतल बाटी कहीं के अब हमन के 1-2% के हमारे गणेश तकल जी और जितना बाकी बाटी अब हरेक किस्म के लालच लोभ लालच और बिका के यानी कि उस सब के मत खरीद के जीतल हमारे मानिक सकल जता और कितना जगह हम भी हमारे अब हरेक हिसाब से धांधली बेल हमारे देखल गेल और जितना व्यक्ति असफल बाटी वहाँ के भी जनता नहीं पतिया के वोट नहीं देने के भी सोचक नहीं बा और हमारे ये भी हमन के जो हार और जीत के खेल हो ते इमा सबसे पहले तो हमन के जो निर्वाचित हो सकल बाटी जो नेता और अक्सर के हमारे पुराने अनुहार के यानी कि पुराने फेस के हमारे व्यक्ति देखल जाता पुराने दल के और कितना जो है थोड़े मात्रा में हमारे नया व्यक्ति के अनुहार देखे पाल जाता और सबसे बड़ा एमा सवाल ये बाकी जो भी हमन के पुराने दल के जो नेता के देखे फिर मिलत बा और कितना चाह के भी और कितना ना चाह के भी हमारे देखे के मिलत बा और कितना जने एकदम थोड़े मात्रा में भी हमारे जो पुरान अनुहार के नेतन के देख के पाल जाता ते उस सब अच्छा काम कह के भी हो सके और कितना जने बाकी बाटी ज़्यादा अक्सर कह के पुराने जो हमारे अनुहार के फिर से चेहरा दोबारा देखे पाल जाता वो सब अच्छा काम ना कह के यानी कि विकास निर्माण के काम ही ना कह के वो सब हमारे के जनता के अब हरेक हिसाब से लोभ लालच में फंसा के जीतल कह के हमारे अनुभूति जनता भी करत बाटी इतना गरी महसूस करत बाटी और सबसे बड़ी थे हमन के कोनो भी नेता के कोनो भी पार्टी के नेता रहा और उस सब हमारे जो जनता के वोट दे के जितल जाता और वह सबके जो निर्वाचन के समय में कौन अवस्था है आर्थिक अवस्था और बिहान के दिन में उस सबके कैसन अवस्था बा हमारे 5 वर्ष के अवधि में देख चुकल बाटी हमारे फिर देखे बाकी बा जिसे अब एग्जाम्पल के लिए अब हमारे कितना नेतन के जोन देखल गेल हमारे चुनाव में जीतल गेल ओकर बाद में उस सबके आर्थिक अवस्था एकदम नाजुक रहे और जब निर्वाचन होने के बाद यानी कि निर्वाचित होने के बाद 1 वर्ष भीतर ही उस सबके जो है आर्थिक अवस्था रहे एकदम हाई लेवल यानी कि ऊपर पुग के अब आजकल देखा जाते बड़ा बड़ा कार में महंगा कार में और हर एक जगह में बड़ा बड़ा शहर में घड़ेरी और बढ़िया बढ़िया बैंक में यानी कि हर एक जगह नेपाल भर ना हो के विदेश में भी उ सबके जो है 42 बा ते एक ठू हमारे कह सकल जी कि कमाइल पैसा ना हो के और ये जनता के पैसा हो और फिर भी वैसे ही व्यक्ति के
जनता कितना जीता पुगली बाटी, कितना जनता ना जीता के अब हमरे अब सीधे कहा जाते एक धांधली के रूप में भी हमरे ले सकल जी। ते ऐसे नहीं हमरे जोन व्यक्ति जोन नेता हारल बाटी और जोन नेता जीतल बाटी, अब जोन नेता जीतल बाटी उस सबके हम कह चुकल बाटी कि जनता के विश्वास ही कहीं ही जीतल बाटी कि हमारे सोचे भी नहीं बा, और जे हारल बाटे उ सब ही जनता विश्वास न के हारल बाटे के भी हमन के सोचे नहीं बा, और हमरे हार और जीत एक पार्ट के एक रथ के दुठ पांग रहो, और हमरे फिर परास्त करते रह जी एक दिन सफल हो जी। फिर भी जोन अब निर्वाचन में ते अक्सर के पैसे के ही खेल होला, अब एक ठू हमन के एकदम नहीं बढ़िया ये पक्ष को हमन के अब हमरे सब जगह देखल गेल। ते जनता ऐसा व्यक्ति के हमरे अब निर्वाचन के समय तक ही कितना जन व्यक्ति बाटें अपन गोड़ में अपन ही टांगी मरले बाटें कि अब दारू मासु बियर में बिकाली बाटें, कितना पैसा में बिका के अपन भरना हो के अपन लैका के भी भविष्य बिगड़ा पुगले बाटें ती नहीं बड़े पक्ष को। ऐसे नहीं हमरे जोन के रूपंदेही निर्वाचन क्षेत्र नंबर एक प्रदेश सभा एक खा के प्रत्यक्ष उम्मीदवार रेखा प्रसाद चौधरी जोन की वहाँ भी विधायक के पद में उम्मीदवारी धारे रहने और सफल ना हो पाले बाटी, फिर भी हिम्मत कल की हिम्मत हो हमरे मन से मजबूत रह जीते एक दिन हमरे जरूर सफल हो जी। फिर हमरे वहाँ से बातचीत कर गया कि ये जो निर्वाचन भल आपके कौन अनुसार से लहल गिल बाई के हमरे बातचीत कर गया सुनल जाए ये बातचीत। नमस्ते, हम रेखा प्रसाद चौधरी थारू रूपंदेही क्षेत्र नंबर 1-2 के प्रत्यक्ष उम्मीदवार, हाल जोन निर्वाचन भेल ई निर्वाचन में सहभागी होके राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह में घर में वोट दे के सहयोग करे वालन के संपूर्ण आमा बुआ और दाजू भाई दीदी बहनी में हम धन्यवाद टकरावा ताटी। अत ये निर्वाचन में जोन आप सफलता प्राप्त करे ना सकल गल अब एक कौन हिसाब से लग गया निर्वाचन में सफलता प्राप्त करे वास्तव में नहीं भेल, लेकिन हमन के एकदम एठू सफलता असफलता के बीच में एठू शब्द लुकाइल रहला ओके कहल के कि असफलता भेल, लेकिन हमन के असफल नहीं भेल गे, हमन के निरंतर जनता के माज बीच में बाटिल जा आए वाला फिर हमन के चुनाव 84 साल में पुनः एकर हमन के प्रचार प्रसार में आइए या जौन हमन के एठू विचार बाँटे रहे संपूर्ण नागरिक लोगन के हमन के एठू विचार बाँटल गए, वो विचार पढ़ के ढेर साथी लोग राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह में घर में वोट देने उन लोग के हम पहले ही धन्यवाद दे चुकल बाटी, या आए वाला जन 84 साल के चुनाव वहाँ पुनः हम सहभागी हो हमें आप सब साथ दिया जी कह के आशा और विश्वास बा। सफलता कह के आदमी हमन के एठ कहा जाला तत्काल में कोनो भी सफलता नहीं मिलला, लेकिन एक निरंतरता दिया जाए तो हमन के सफल अवश्य हो जाला। आज देखल जा हमन के कि 2074 साल में भी हम उम्मीदवार रही 2074 साल के उम्मीदवारी में हमें वोट मिलल रहा, आज 2079 साल के चुनाव में ओकर डबल वोट आए, एक लिए हम असफल नहीं बाटी गए के हम सफल बाटी गए के आज के यहाँ जनता हमें भरोसा भी करत बा। बढ़िया मत लेने के नहीं सकल गिल अब एमा कौन पक्ष के कमजोरी देखा जाता है? बढ़िया पक्ष से आज नेपाल में जौन विभिन्न किस्म के राजनीतिक दल लोग यहाँ जौन काम करा था ना वो काम पूरा ना कैले के नाते आज यहाँ के मतदाता जो लोग प्राय वोट भी नहीं डाले गए ना। आज देखल जा नेपाल में जनता पहले चुनाव होत रहे जनता ल उत्साहित होत रहने, लेकिन 2079 साल के चुनाव में जनता ल उत्साहित नहीं भेने। आज देखल जा नेपाल स्थानीय तह के चुनाव में लगभग 75-80% वोट गिरल है, लेकिन प्रदेश केंद्र के सरकार में जम्मा 65% वोट गिरल बा। एक खातिर हमन के जो यहाँ के राजनीतिक दल लोग जो नेपाल में
उ लोग बाचा घोषणा पत्र ले गए ना, उ लोग काम नहीं करने के लिए जनता भी थोड़ा दुखित हो गई। जनता में चेतना रहे उ लोग तो वोट डाले है ना, लेकिन जौन जनता में चेतना नहीं रहे उ लोग वोट नहीं डाले है ना। कि विगत में जौन राजनीति दल पटक पटक जीत के जाला, कुछ नहीं कराला, ये भी राजनीतिक दल हो ऐसा करी गई के ढेर आदमी वोट भी नहीं डाले है ना। आज देखल जाए स्वतंत्र पार्टी में ज़्यादा वोट गए, जबकि राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी विगत यहाँ 30 वर्ष से लगातार हरेक चुनाव में भाग लेते आवत बा। आज देखल जा जौन राजनीतिक दल पटक पटक सत्ता में पुगल उ अपन वाचन आई पूरा कैलस, लेकिन राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी के विचार सिद्धांत का रहे कि यहाँ के जौन राजनीतिक दल लोग रहने कि हम बहुत किस्म के आशा विश्वास भरोसा डाले आने, लेकिन उ पूरा नहीं कने। आज देखल जा नेपाल में एठो सुकमासी समस्या रहे, जबकि यहाँ पुराना राजनीति लड़ पटक पटक सत्ता में पहुँचल। आज उस सुकुमासी समस्या के लिए कई जन के लाल पुर्जा दहला, कमती में वो लाल पुर्जा दहले रात का ला गंती के रूप में अगर 100 जन के लाल पुर्जा दिए बाद अगर 20-25 जन के लाल पुर्जा दहले रात तब वो बाचा पूरा होता। लेकिन आज हमन के घर दिलो कार्यक्रम में जात के वहाँ जनता लोग के और कौनो किस्म के उ लोग के मांग नहीं रहे, खाली जनता में भी कह रहे कि ये तो हमारे घर के आगे रोड बना दे, हमारे घर के आगे नाला बना दे। अब घर दे लो कार्यक्रम में जात के हमन के देखल गए जितना भी यहाँ के मतदाता जी लोग बांटे खाली उ लोग के रोड चाहें नाला चाहें, लेकिन उ लोग कब्बो नहीं कहने कि हमारे लड़का पढ़ल लिखल बा, हमारे लड़का के लिए नौकरी चाहिए, हमारे लड़का के लिए बढ़िया जागीर चाहिए, कब्बो नहीं कहने। आज देखल जा विकास निर्माण के काम में उ लोग के ध्यान गई, लेकिन उ नेता से कब्बो नहीं कहने कि यहाँ एठू फैक्ट्री कल कारखाना खोलल जाए, यहाँ बेरोजगार युवा लोगन के रोजगारी दिहल जाते। जौन हमन के यहाँ के पुराना राजनीतिक दल रहने नेपाल में देखल जाए तो विभिन्न किस्म के फैक्ट्री रहे, आज उ फैक्ट्री घराशाही भैल। उ फैक्ट्री में आज अगर संचालित रह बेरोजगार युवा लोग रोजगारी पहले रहते हैं, लेकिन वो आज यहाँ फैक्ट्री के कौनो किस्म के ध्यान नहीं देते हैं, खाली विकास निर्माण कार्य के लिए ध्यान देते। सच में हमन के कौन भी दल के नेता के यदि हमरे जीचाल जाते सबसे पहले थे उस सब भी जनता के जो मत के कदर के लिए आवश्यक बा, और जिसे निर्वाचन के समय में हरी के पार्टी के जो नेता रहने घर दिल में जात रहने जितने के बाद भी हमन के जो मतदाता बाटे वहाँ के कौन कौन समस्या बा, और सबसे पहले तो हमन के एक तो बेरोजगारी के समस्या बा हमन के देश नेपाल में, और जो कि अब युवा बाटे और बैचलर डिग्री तक के भी काम नहीं पहले बाटे और काम करे के सिलसिला में विदेश जाए के बाद बाटे, तो सबसे पहले हमन के अपने देश नेपाल में अब रोजगार के सृजना करे के आवश्यक बा। एक लिए सबसे बड़ी तो हमन के उद्योग धंधा कल कारखाना चलाए के आवश्यक बा, ताकि हमन के नेपाल के जो है श्रम बा नेपाल में ही हमन के देख उचित हो सकी, और हमन के जो है नेपाल के युवा बाटी विदेश जाए से रोक सकी, यानी कि विदेश जाए के नहीं पड़ी, और जब नेपाल में रही थे अब यहाँ के उत्पादन भी हर किस्म के जो उद्योग धंधा रहते यहाँ के उत्पादन भी हमारे उपयोग कर सकल जी। बाकी निका हमारे जो नेता लोग बाटी अब निर्वाचन के समय में बड़ा बड़ा भाषण छटी हैं, और बाद में निर्वाचन और जीते जनता जो बाटें उससे पहले निर्वाचन के समय तक जो नेता बाटें वहाँ सबके ढोक कहीं नमस्कार कहीं, फिर भी जितने बात नमस्कार तक नहीं फर कहीं इतने बार ना हो के अब कौन भी विकास निर्माण के काम लगाए के और अन्य काम के लिए जब हमने के जनता की समस्या पड़ी थे उस सब भी चिन्हने वाले नहीं रहने, और जब 5 वर्ष तक कुछ भी वो सब नहीं करे खोजी हैं, जब चुनाव नेक्स्ट आए लगी 1 महीना बाकी रह जी और बाद में फिर नेता के घर दिल में जाए पुगी हैं, और नेता के जनता के घर दिल में जाए पुगी नेता लोगन, और उस समय भी हाई के दे बहुत के दे फिर जनता भी एक बार ना हो के दोबारा तिबारा भी नेता के विश्वास करके फिर लालच में फंस के अब अच्छा आदमी के वोट देखते बढ़िया बात हो, अमन के कुछ लालच में फंसे के ना अमन के भविष्य के सवाल बा, अमन के आवला पीढ़ी के सवाल बा। फिर भी जो नेता विकास से नहीं करने बाटी अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निर्वाचित हो के काम के लिए बाटी उस सबके अब वोट नहीं दे कहके भी लास्ट आवर में जाके तमने लालच में फंस के 2-4 पैसा में फंस के उहे व्यक्ति के वोट दे पुग जाने, जोन के हमन के अपन गोड़ में अपन ही टांगी मारल बराबर हो, ते एक लिए हमन के जनता सबसे बड़ी थे सच आवश्यक बा। अब जिसे हमारे
वैसे नहीं ड्राइवर के चुनल जी गाड़ी चेहे जब जाके चेहे जान जा सकी एक्सीडेंट हो सकी ते सबसे बड़ी ते दी सहाँके वाला व्यक्ति के हमारे अच्छा चुनल जा और हमारे जब तक ये ध्यान दे के नहीं सकल जी तब तक हमन के जौन जनता बाटी हमन के ऐसे ही दुख पीड़ा पाते रह जी ते फिर स्वीकार जाए वहाँ से कल बातचीत आज देखल जा विभिन्न विज्ञापन यहाँ वाला विज्ञापन में कहा होला कि सऊदी अरब कतार मलेशिया दुबई से इतना भीसा आयल कह के प्रचार करें लेकिन नेपाल में फैक्ट्री खोल के इतना रोजगार नेपाल में रोजगारी देव कह के उ लोग कब्बो नहीं प्रचार कर एक खातिर अगर नेपाल में हमन के रोजगारी हमन के राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी हम खुद यहाँ के उम्मीदवार रही क्षेत्र नंबर एक प्रदेश एक के दुई के उम्मीदवार रही ये हम घर दैलो कार्यक्रम में करब कब्बो नहीं कहने यहाँ के कि हमार यहाँ के बेरोजगारी युवा लोगन के रोजगार दिया जा लेकिन आज ऐसा ऐसा जगह में गईली हमन के कहल जाला विकट एरिया खाली रुकुम रोड पर देखा जाए बाकी उससे ज़्यादा विकट एरिया हमन के रूपंदेही क्षेत्र में बा आज एठू सामान्य कोनो बीमार पड़ जाता तो बीमार के एम्बुलेंस में ले जाए के लिए वहाँ रास्ता नहीं बा वहाँ अगर कोनो एठू डिलीवरी केस बा तो अगर डिलीवरी कराए रहे तो आप घर से गांव से तीन तीन चार चार किलोमीटर तक ग्रेवल रास्ता बा ग्रेवल वो कैसन किस्म के हुआ कि जैसे हमन के खोला नाला में हमन के गाड़ी दौड़ावल जाला उ किस्म के रोड बा यहाँ तो आज विकास निर्माण के काम में ज़्यादा ध्यान देने लेकिन विकास निर्माण के काम भी नहीं वो लोग पूरा कहीं ना एक खातिर जनता अजीत रहे जनता परेशान रहे इसलिए खातिर आज ढेर से ढेर मतदाता जीव लोगन घर में बैठने वोट डाले भी नहीं गए न एक खातिर अब ये जौन 79 साल के जनप्रतिनिधि लोग जीत के गए बटे उ लोग अपन बाचा पूरा करें उ लोग के ये हमारे सुझाव बा हमारे पुराने अनुहार देखा जाता और इससे पहले भी 5 वर्ष की अवधि में उस सबके समाज के लिए समाज उत्थान के लिए समाज परिवर्तन के लिए कुछ विकास निर्माण के काम में अपन महत्वपूर्ण योगदान ध्यान कह के हमारे नहीं पाल जाते फिर भी उहे पुराने अनुहार जीतल के अवस्था बा एक आप कौन हिसाब से कैसे बुझल जाए आज देखल जा हमन के घर दैलो कार्यक्रम में गए गए तब यहाँ के जनता लोग जौन किस्म के अपन दुख है हमन के ऊपर गिरावतन है कि पुरान राजनीतिक दल वालन के हमन के नहीं जितावल जाए लेकिन आज ये चुनावी दौड़ान में जो हिम्मत डलने फिर वह पुराने राजनीतिक दल के ही वोट देने जबकि वह जनता कहत रहे कि हमन के पुराने राजनीतिक दल वालन के वोट नहीं दिया जाए लेकिन पुनः फिर वही पुराने राजनीतिक वोट दलस वह पुराने आदमी के वोट दलस जबकि वो लोग के टेस्ट नेता लोग रहने टेस्ट भी कह चुकल रहने लेकिन आज जनता पुनः फिर उ लोग के वोट दलस आज देखल जा हमन के कोनो भी काम कैल जाला तो ओके हमन के एठू समीक्षा कैल जाला कि समीक्षा कैले के बाद भाई ई काम नहीं पूरा भइल ओके नेक्स्ट करल जा लेकिन नेक्स्ट नहीं कहने आज देखल जा हमन के जिंदगी भर ट्राई अगेन कहते आए गए ट्राई टू नेक्स्ट हमन के कब्बो नहीं कल गए अब पुनः हमन के फिर जाए जाए तो वह जनता लोग बड़ी बड़ी बात करें ना कि तू लोग जीत के गए ला कोनो काम नहीं कैला तो अनुहार तो वह पुराने बा नया तो अनुहार कोनो बा नहीं एक लिए आज हमन के जो बैलेट पेपर में रहे चुनाव चिन्ह रहे आज जनता लोग पुनः वह पुराना चुनाव चिन्ह अपन रोजाई में रखने आज वो जैसे हमन के एक थाल में खाना अगर रख दिया जाए उस थाल में हर एक किस्म के खाना रहला लेकिन खाना कौन टेस्ट रहला ओके आदमी ट्राई कराला नेक्स्ट कराला लेकिन चुनाव में आज देखल जा ट्राई अगर पुनः हुआ पुराना प्रवृत्ति के हमन के नेता के चुनल गए और कहा जाला हमन के नेपाल में कोनो परिवर्तन नहीं भइल एक लिए परिवर्तन करे के लिए समय मौका रहे लेकिन आज यहाँ के नागरिक एक जनता पुनः पुरान विचार वालन के रखलस आज देखल जा पुराने राजनीतिक दल लोग पुनः निर्वाचित भैन तो थोड़ा हमें देखल जाए दे हमें कुछ आर्थिक चल खेल भी भाई आर्थिक चल खेल में यहाँ जनता पुनः उ लोग के जीतलस लेकिन हमन के तो एठू विचार और सिद्धांत ले गए अलगे कि एठू विचार सिद्धांत बोके वाला पार्टी के एठू वोट दे के जितावल जा हमन के परिवर्तन करल जा लेकिन यहाँ पुरान प्रवृत्ति जौन हावी भइल आज जौन
यहाँ एजेंट लोग रहने, वो एजेंट लोग पुनः वह पार्टी के वोट दिलेने। आज कमती में नेपाल में जौन यहाँ रूपंदेही के क्षेत्र में कहल जा, रूपंदेही क्षेत्र में बैलेट पेपर में हर एक राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह रहे, लेकिन वो लोग जौन एजेंट लोग उ लोग के प्रलोभन देखे ने पुनः यहाँ के जनता लोग वह पुराने चुनाव चिन्ह में वोट देने। आज वहाँ भी राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह घर रहे, लेकिन घर के भी आदमी नहीं देखलक। एक लिए आज भी हमन के फिर 5 वर्ष के पुनः हमन के दलदल में फसल बाटिल जा। एक खातिर पुनः हमन के अब आए वाला 84 साल में हमन के पुनः हमन के संपूर्ण मतदाता जीव लोगन में हमारा अनुरोध बा कि आए वाला 84 साल में फिर राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह घर में वोट दिया जा। अंतिम में आप लोग राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह में विश्वास कह के जौन वोट दिया गए वो आपके वोट खेला ना गई बा, आप सही जगह में वोट दिया गए, आप एक सही नेतृत्व के लिए वोट दिया गए और हमन के हार जीत वो अपने जगह हुआ। ये लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत जरूर होला, हारे वाले भी दुखी भी ना हो पड़ी, जीते वाला भी ज़्यादा खुशी नहीं हो जाए। काहे इसकी 2084 साल में पुनः स्थानीय प्रदेश सरकार केंद्र तक के चुनाव हुई, वहाँ में आप लोग साथ सहयोग दिया जाए, ये कहते हम विदा होत बाटी। नमस्कार, धन्यवाद। सच में एक युवा रोजगार के लिए सबसे पहले तो नया उद्योग की संचालन, ऐसे जो बंद भल कल कारखाना बा ओके अमरे फिर नए रूप देखे संचालन, और गुणस्तरीय शिक्षा ओकर साथ में किसान के समय में मलजल के व्यवस्था करे आवश्यक बा, तबर के हमन के समाज के जो एक फेस बा परिवर्तन हो सकी, ना कि अब हमरे नेता के जितल गल 5 वर्ष देखल गल कुछ नहीं भेल, अपन पर्सनली हिसाब से यानी कि व्यक्ति हिसाब से वो सब एकदम ऊपर पुगेने, बाकी जनता के घर दिल में नहीं आल बाटे। अब हमारे 5 वर्ष के अवधि में भी जहाँ वो सब जीत के गिल बाटे, जहाँ से जहाँ के मत पाके जीतले बाटे, वहाँ भी विकास के नाम में निशान तक नहीं बा, ओकर साथ में वही गांव में घूम के नहीं लौटल बाटे, और फिर 5 वर्ष के हमारे वह व्यक्ति के भी नया अनुहार फिर देखे पाल जाता, तो ये एक हमारे के दुर्भाग्य की बात हो, और हमारे जोन अभी हमन के सोचे के बात बा कि विकास निर्माण के लिए हमन की समाज परिवर्तन के लिए हमन की समाज के अनुहार परिवर्तन करने के लिए हमारे सही नेता के यदि चुनल गए होते अवश्य विकास हुई, और हमारे कितना जो नया अनुहार देखे पाल जाता, हमन के आस और विश्वास बा कि जो हमन के नया नेपाल बनाए के हिसाब से कुछ हमन के परिवर्तन देखे मिले के कि हमन के आस और विश्वास बा, ते ऐसे हमारे बातचीत करते विद्यालय से में हो गए बा, और हमारे देखल गए कार्यक्रम संसद सर्वर कार्यक्रम के साथ में हम संचालक राज और हमारे के जो उम्मीदवार रहने रेखा प्रसाद चौधरी वहाँ की भी हमारे धन्यवाद देती, और उनके टेक्नीशियन कैमरा पर्सन शंकर उनके विशेष धन्यवाद देत। हम संचालक राज विदा हो साहब, नमस्ते।